भाई साहब यहाँ पे निकले हुए हैं चंदा मामा, ये देखो। और ये सामने चल रहा है कंपटीशन सूर्य देवता के साथ, क्या बात है भाई। ये जो कुत्ता है ना सामने, ये कुत्ता है हाउंड। ये ऐसा लेजी सा लगता है लेकिन इसकी स्पीड इतनी जबरदस्त है ना कि मजा आ जाता है देख के। That's a grey hound, so it runs really fast. It seems to be lazy at times. Yeah, he is pretty lazy. But I googled about them. They're pretty fast. Yeah. Is he aggressive? He's also too tired to care. He's probably going to give you guys a flip for free. Okay. Greyhound. Bye. ग्रे हाउंड बहुत तेज भागता है, इसके बारे में मैंने चेक किया था। गूगल करना, आप लोग भी गूगल करना है इस डॉग के बारे में, बहुत दिखते हैं न्यूजीलैंड में ये। स्वागत है जी आपका इस नई वीडियो में। और आज हम लोग जो हैं घूमते घूमते पार्क में, बहुत ही अच्छी वाइब है, सनी मॉर्निंग है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्पाउस वीजा आप कैसे लगवा सकते हो खुद या कंसल्टेंट के थ्रू। और हमारे साथ लाइव एग्जांपल घूम रहे हैं सुरभि रावत, ये बताएंगे कि इन्होंने कैसे अप्लाई किया और कैसे इनका वीजा आया। छोटी छोटी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, बड़ी चीजें तो ऑलमोस्ट आपको गूगल में मिल ही जाती है। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाई व्यू देखो जरा इस पार्क का, यहाँ पे पार्क जो है ना एक नंबर है सारे के सारे। इसको रिजर्व बोलते हैं पार्क को। ये देखो चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, ये सारा वॉकवे है, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो। वो ट्रेन की पटरी है, हमने गाड़ी वहाँ पार्क करी है स्ट्रीट पे, वहाँ से यूं आए हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे, रिजर्व विजर्व घूम के तो फुल फील आ रही है, अच्छा लगता है। क्लीन एयर और ग्रीनरी चारों तरफ, अभी मजे इसलिए भी लूट रहे हैं समर चल रही है, तो समर जब तक चल रही है धूप आ रही है तब तक ठीक है, अब विंटर का एक्सपीरियंस कर लेंगे। वैसे इस साल जो है ना समर सही से नहीं आई है, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं ना उन लोगों ने यही बोला कि समर सही से नहीं आई है। हाँ, समर्ज नहीं लगी उन्हें, और इनफैक्ट मेरे ऑफिस को तो कह रहे थे कि विंटर्स के जैसे ही मौसम है बिल्कुल, और इनफैक्ट बारिश बहुत ज्यादा हो रही है विंटर्स से भी ज्यादा। बट अभी एक हफ्ते से बारिश नहीं हो रही है, अदरवाइज तो जब से हम आए मतलब ऑलमोस्ट एवरीडे बारिश हुई है यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, अड्डा ढूंढ रहे हैं बैठने का, वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं क्योंकि स्पाउस वीजा को लेके भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और क्लैरिटी है नहीं थोड़ी बहुत। लोग थोड़ा घबरा भी जाते हैं, भाई स्पाउस का वीजा लगेगा, सबका लग जाएगा वीजा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जी तैयार हो गए हैं, बैठ गए हैं और अब बात करते हैं स्पाउस वीजा की। तो बेसिकली स्पाउस वीजा की जो टाइमलाइन हमारे कंसल्टेंट ने हमको बताई थी वो थी 50 to 70 days की, और 50 to 70 days में स्पाउस का वीजा जो था वो एक्सपेक्टेड था, दिस इज दी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन। और इसकी तैयारी जो होती है ना वो तकरीबन महीना भर तो लग जाता है, बिकॉज सुरभि अब डिस्क्राइब करेगी कि क्या क्या चाहिए होता है और प्रोसेस एक्चुअली में है क्या। सुरभि अब बताओ आप। हाँ, तो एक्चुअली जो कंसल्टेंट होता है स्पाउस का वो अलग होता है, स्टूडेंट का कंसल्टेंट अलग होता है। तो स्टूडेंट के कंसल्टेंट कभी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, बट वो आपको एक लीगल एडवाइजर बोलते हैं, वो सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके टाइप्स भी होते हैं। तो हमें भी उन्होंने एक लीगल एडवाइजर सजेस्ट किया था, तो मैंने उनको रीच आउट किया था, उन्होंने मेरा पूरा ब्रीफ लिया था, फिर उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस बताया था। अब ये लगते हैं 50 to 70 days इसकी टाइमलाइन होती है, बट ये तो बाद की बात है बहुत ज़्यादा जब आप फाइल कर दोगे, पर उससे पहले ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना क्योंकि आपके एफर्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप अगर ऑफिस जाते हो तो उसके साथ साथ आपको ये प्रोजेक्ट करना है। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये भी है कि आप जो है स्पाउस वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि आपको कंसल्टेंट ही चाहिए। रूल्स जो हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो सेम अप्लाई होती हैं अगर आप इंडिविजुअली पर्सनली प्राइवेटली अप्लाई करते हो और अगर कोई एजेंट के थ्रू करते हैं, तो सारे जो चेकलिस्ट होती है वो सेम ही होती हैं। बट अगेन वही वाली बात की जैसे आपने स्टूडेंट वीजा जो है वो आप खुद भी फाइल कर सकते थे, लेकिन स्टूडेंट वीजा जनरली एजेंट के थ्रू होता है बिकॉज दे आर प्रोफेशनल, दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे हैव मोर हैंडफुल अमाउंट ऑफ केसेस जिससे वो कंपेयर करके अगर आप अटक भी जाते हो तो हेल्प करते हैं। लेकिन स्टूडेंट में जनरली आप कंसल्टेंट को अप्रोच इसलिए करते हो क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन जो स्पाउस वीजा होता है वो कभी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, आपको कंसल्टेंट फीस तो देनी ही देनी है। वो मैं आपको बताऊंगी फिर एंड पे कि हमारी कंसल्टेशन फीस एक्चुअली में कितनी थी। अब हमारे लीगल एडवाइजर ने हमें बताया था कि दो ऑप्शन होते हैं आप वीजा कैसे फाइल कर सकते हो, फाइल तो वही करेंगे बट दो तरीके हैं। एक, जब आपका स्पाउस ने वीजा फाइल कर दिया है तो उसके बाद आप भी अपनी फाइल लगा सकते हो, तो वो पूल में चली जाती है। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब आपके स्पाउस का वीजा आ गया है, कंफर्म्ड है कि उनका वीजा आ चुका है, तो फिर आप फाइल करोगे तो वो भी पूल पे जाएगी, लेकिन वो क्यू में पीछे हो जाती है। अब यहाँ पे इसमें कैच ये है कि आप फाइल तो पहले भी लगा सकते हो, जैसे आपके स्पाउस ने फाइल करा है आप भी फाइल कर सकते हो, लेकिन उसमें बाय चांस अगर
आपके स्पाउस का वीजा रिजेक्ट होता है तो आपका भी वीजा रिजेक्ट हो जाएगा और प्लस आपको फिर से फीस भरनी पड़ेगी पूरी वीजा की, विच इज आई थिंक जब मैंने किया था तो वो थी 700 NZD, तो वो एक लॉस होता है। इसलिए ज्यादातर लोग यही करते हैं कि पहले वेट करते हैं कि स्पाउस का वीजा आ जाए, फिर आप अपनी फाइल अपने पूल पे डाल। तो वही हमने भी किया। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट बहुत सारे चाहिए लेकिन एक पार्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको अपना रिलेशनशिप प्रूव करना है अपने स्पाउस के साथ कि आप एक लेजिटिमेट रिलेशनशिप में है, प्लस आप यू आर लिविंग टुगेदर आफ्टर मैरिज, वो भी आपको प्रूव करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके खर्चे आप दोनों मैनेज कर रहे हैं, दोनों सारी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, आपकी क्या क्या चीजें आ रही हैं एज पार्सल्स, आप दोनों सेम एड्रेस देते हो, ये सबसे बड़ा टास्क है इसमें, इसी को हम प्रोजेक्ट कह रहे हैं फिलहाल। अब रिलेशनशिप प्रूफ करने के कुछ कुछ मेन पॉइंटर्स हैं जो हमें भी, मेरे को तो जो लीगल एडवाइजर ने लिस्ट दी थी वो आई थिंक 3 पेजेस थे ऑफ PDF, और वो आप एक टाइम लगाते हो उसको पूरा पढ़ने में और क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी, कितने टाइम में आप वो चीज प्रोवाइड कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा आई थिंक टाइम तो हमें ऐसा टाइम तो किसमें, PCC में ही टाइम लगा था जो कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस था बिकॉज हम लोगों का थोड़ा एड्रेस का वेरिएशन भी था तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा। बाकी तो आई थिंक हमें किसी में टाइम नहीं लगा, बस आपके एफर्ट्स ही एक्स्ट्रा आपको पुट करने पड़ेंगे अदरवाइज। yes. तो कुछ ऐसा हाँ। बाकी अब मेन पॉइंटर्स ये है कि जैसे हम दोनों का बैंक अकाउंट है तो एक जॉइंट बैंक अकाउंट हमेशा होना चाहिए थे, थैंकफुली हमने पहले से ही खुलवाया हुआ था, काफी शादी के बाद ही खुलवा दिया था। और अगर आपके पर्सनल अकाउंट भी हैं तो आपको उनमें नॉमिनी एक दूसरे को बनाना पड़ेगा, वो भी एक प्रूफ जाता है। इसके अलावा आपकी कोई पॉलिसीज है, LIC पॉलिसीज है या आप मेडिक्लेम पॉलिसीज जो आप लेते हैं अपने ऑफिस में, उसमें भी आपका नॉमिनी आपका स्पाउस होना चाहिए, वो भी एक बहुत अच्छा प्रूफ होता है। इसके अलावा हमारे सोशल पोस्ट जो होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है, हमसे मांगे गए थे, एडवाइजर ने मांगे थे, इमिग्रेशन ने मांगे थे या नहीं मांगे थे नहीं मालूम है, हर एडवाइजर का तरीका अलग होता है, तो हमारे एडवाइजर का तरीका ये था, उन्होंने हमसे मांगे थे सारे FB पोस्ट, सारे मतलब जितने आप दे सकते हो जिसमें आप दोनों हो, आपने जो पोस्ट किए हैं वो विद टाइम स्टैम्प उसमें, तो जैसे हमारे फोन में टाइम स्टैम्प के साथ भी बहुत सारी चीजें आती हैं अगर आप गैलरी में फोटोज देखते हो, तो ऐसे ही मैंने स्नैपशॉट्स लिए थे फेसबुक के भी, इंस्टा के भी लिए थे और अपने गैलरी के फोटोज के भी लिए थे। तो ये मतलब सोशल मतलब कि इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और आप दोनों ने एक दूसरे के लिए पोस्ट किए हो, सिर्फ वो नहीं आप एक्स्ट्रा ये दे सकते हो कि आपके फ्रेंड्स ने जब आपको टैग किया हो तो वो भी मैंने प्रोवाइड करे थे। अब इसके अलावा आप कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ के अगर आपने कोई ट्रैवल टिकट करी हैं, एयर टिकट करी हैं या फिर आपने होटल वाउचर्स किए हैं, आप दोनों ने किए हैं, दोनों उसमें प्लस वन तो होता है ना, हर जगह कहीं पे आप डालते हो तो प्लस वन होता है होटल वाउचर्स में, तो वहाँ पे आपने क्या खाया है, आपके जोमेटो बिल एज मच एज यू कैन जितना भी आपके पास है वो आप सब प्रोवाइड कर दो, मैंने तो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा उन्होंने मांगे थे हमसे इवेंट्स, जो हमारे लाइफ में आज तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो छोटे से छोटा इवेंट भी क्यों ना हो, चाहे मेरे भाई के बेटे का मुंडन ही क्यों ना हो या उसका बर्थडे ही क्यों ना हो, उन सब इवेंट्स के हर एक PDF में हमसे पूरा मांगा गया था, 4-5 फोटोग्राफ्स की एक PDF बना दो और उनको इवेंट डेट के साथ उनको प्रोवाइड करनी होती है। तो हमसे बोला था कि मैरिज से पहले से प्रूफ करना है टिल डे, तो मतलब जो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं इफ आई रिमेम्बर करेक्टली एक को ये PDF में होनी चाहिए, टाइम स्टैम्प्स हैं तो अच्छी बात है, प्लस आई रिमेम्बर कि उन्होंने बोला था कि गैदरिंग भी होनी चाहिए, तो ऑल द क्लोज रिलेटिव्स प्रॉब्ली योर पेरेंट्स इन लॉ, फ्रेंड्स, फैमिली, ब्रदर, सिस्टर, एवरीवन, राइट, जितनी बड़ी ग्रुप पे होगी वो बहुत अच्छा एविडेंस होता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है मोटा मोटा, जो ये जो खिचड़ी पकड़ी है ये इसलिए हो रही है टू प्रूव द जेन्युइननेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिलेशन दैट अ हस्बैंड वाइफ हैज, और इसी को ये सपोर्टिंग करके एडवाइजर्स जो है ना इसकी फाइल लगा के पेश करते हैं न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के आगे कि भैया हमारे हिसाब से ये चीजें हैं, ये लेजिटिमेट है, ये ऑथेंटिकेटेड है,
आप जो है इनको अलाउ करो, इनको वीजा पास कर दो। तो ये एक चीज जो ड्रॉ होती है पूरी पिक्चर में, वो ये सारी चीजें ड्रॉ हो रही हैं। बार बार अपने आप को ये रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं कि इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है। जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें, चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे जो भी है, जितना आप लोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। एंड सुरभि डिड अ वेरी गुड जॉब। जब इसके टाइम पे ये फाइल बन रही थी, सुरभि ने एक बहुत ही अच्छी खासी एक पीडीएफ बनाई थी विद फोटोग्राफ्स विद द टाइम ऑफ इवेंट्स। ऐसा नहीं है कि कल का बर्थडे डाल दिया पहले और शादी से पहले की फोटो बाद में डाली है, ऐसा नहीं था। इट वॉज अ क्रोनोलॉजिकल, इट वॉज सिंक्रोनाइज। सो वो एक्चुअली सुरभि के एक फेवर में भी गई होगी चीज, आई एम श्योर। तो वही, आप जितना प्रिसाइज रहोगे और क्लियर रहोगे वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको फिर से दोबारा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज आपका एडवाइजर बोलेगा ऐसे नहीं ऐसे करके दो, ऐसे नहीं ऐसे करके दो। एक ही बार समझ लो उससे कैसे करना है, क्योंकि मैंने पहले सैंपल दे दिया था एक इवेंट का और एक किसी और चीज का कि ऐसे ऐसे मैं बनाऊंगी, तो इज दैट ओके? तो फिर उनकी तरफ से ओके आ गया था, तो फिर मैंने अपना पूरा वैसे किया था। इसके बाद आता है मेडिकल चेकअप। सो बेसिकली क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है उसका मेडिकल चेकअप होता है सस्ता वाला। सस्ता वाला मतलब कि सिर्फ चेस्ट एक्सरे होता है, और जो स्पाउस होता है उसका लगता है फुल बॉडी चेकअप। उसके जरा रेट बता दो। फुल बॉडी चेकअप हुआ था मेरा, 7500 का हुआ था, और वो वैलिड होता है 36 मंथ के लिए जब आप यहाँ पे आ जाते हो। अब जब आपको मेडिकल चेकअप करवाते हो और जब आपकी रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी होती है अप्लाई करने के लिए 3 मंथ। तो विद इन 3 मंथ ऑफ टाइम आपको अपना वीजा फाइल करना है। करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली सुरभि ये कहना चाह रही है कि जो लीड टाइम है ना, आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि आपके 3 मंथ के अंदर अंदर, जैसे आपने अपना लेट से फुल बॉडी चेकअप कराया, तो आपको जो वीजा है ना 3 महीने के अंदर अप्लाई करना है। और ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है, दिस इज वैलिड फॉर 36 मंथ्स। अब इसमें एक और कैच ही है कि जो 36 मंथ्स का जो ये फुल बॉडी चेकअप है ना, ये ऐसे बकवास नहीं है, वेला नहीं है, बेकार नहीं है। बिकॉज दूसरी कंट्री में जाते हो तो यहाँ पर 36 मंथ्स का एक हेल्थ सर्टिफिकेट होना इज अ वेरी गुड पॉइंट। आप लोग ये पेश कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है आप कंपनीज ज्वाइन करोगे वहाँ पे भी दिखा सकते हो मेरा हेल्थ सर्टिफिकेट है। काफी जगह पे हेल्थ सर्टिफिकेट मांगते भी हैं। सो इट्स अ गुड पॉइंट कि 36 मंथ्स का है। अब रूल है तो है, अब वो कराना है तो कराना है। चेस्ट एक्सरे नहीं कराना स्पाउस को, फुल बॉडी चेकअप ही कराना। उसमें चेस्ट एक्सरे भी आता है, उसमें चेस्ट एक्सरे इज अ सब पार्ट ऑफ दैट। ई मेडिकल सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। यस, तो ये तो आपको कराना ही है। कट टू कट तो नहीं था, बट मैंने भी थोड़ा एडवांस में करा लिया था, और मनीष का वीजा आने में टाइम लगा था, तो मुझे भी डर लग रहा था मेरा वो एक्सपायर ना हो जाए, बट थैंकफुली इतना टाइम भी नहीं लगा था। तो इसलिए वो टाइम देख के करवाना, आपका टाइम उसमें फॉल करना चाहिए। इसके अलावा मेन चीज थी पीसीसी। पीसीसी की वैलिडिटी होती है 6 मंथ, तो उसके लिए आपके पास एम्पल टाइम है, तो वो आप थोड़ा एडवांस में भी करवा सकते हो। 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। सीन क्या है कि 6 महीने हम बोल रहे हैं ना, ये इंडिया के हिसाब से है। हम, मेरे बहुत सारे भाई लोग पाकिस्तान से भी हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, फ्यू ऑफ देम आर स्टिल इन न्यूजीलैंड। सो दिस रूल फॉर 6 मंथ इज फॉर इंडिया। जस्ट चेक ऑन वेबसाइट और व्हाटएवर लोकल अथॉरिटीज फॉर योर लीड टाइम। हमारा तो इंडिया में 6 महीने होता है, और सुरभि का भी मैंने 7 में अप्लाई कराया था पीसीसी, बिकॉज 6 मंथ इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे हिट और मिस केस ही होगा। तो बेटर रहता है कि पीसीसी जो है ना एडवांस में करा लो, ईजी होता है, ऑनलाइन हो जाता है, पुलिस आती है वेरीफाई करके जाती है आपको, और साथ में करा दो। स्टूडेंट वीजा के लिए आप जैसे जब अप्लाई कर रहे हो पीसीसी, स्पाउस भी तभी कर ले तो बेटर है, राइट? इट विल सेव योर टाइम, यू शुड बी रेडी विद द डॉक्यूमेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है फंड। आपको कितने फंड्स दिखाने हैं, क्योंकि स्टूडेंट को तो बहुत सारे दिखाने होते हैं, आपको भी दिखाने होते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं दिखाने होते हैं। मेरे लीगल एडवाइजर ने तो कहा था 5 to 7 lakh लिक्विड कैश अपने बैंक अकाउंट में, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में दिखा दो, तो वो बहुत अच्छा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कुछ भी एक्स्ट्रा जो आपको दिखाने हैं आप दिखा सकते हो। हमने दिखाए थे, जैसे मनीष और मैंने, हम दोनों के पीपीएफ और पीएफ भी दिखाए थे। अब बस इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो भी स्टूडेंट वीजा के फाइल पे लग रहे हैं फंड, वो आप स्पाउस वीजा के लिए नहीं दिखा सकते हो। तो फिर वो उस बात का आपको ध्यान रखना है, वो आपका एडवाइजर भी बताएगा, लेकिन अगर आप खुद फाइल कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप वाले फंड्स ना दिखाएं जो आपने ऑलरेडी आपकी स्टूडेंट फाइल में दिखा दिए। तो फंड्स का तो यही है, लेकिन आई थिंक इमिग्रेशन साइट और कुछ लोगों ने हमें बोला था कि इतना ज्यादा 5 to 7 lakhs की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, 2 to 3 lakhs की होती है, 2.5 की होती है, आई बिलीव 2.5 समथिंग मेंशन था। लेकिन अगेन हम लोग जो भी बता रहे हैं ना आपको, ये एज पर आर सिनेरियो है, करंट डेटेड है। आप जो भी चीज चेक करते हो, कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते हो, कहीं भी आर्टिकल पढ़ते हो,
प्लीज मेक श्योर दैट यू क्रॉस चेक विद इमिग्रेशन वेबसाइट. इमिग्रेशन की वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है. डू क्रॉस चेक, बिकॉज ऐसा ना हो कि हमने बोल दिया 2.5 लाख और पता है उन्होंने चेंज करके 50 लाख कर दिया, 10 लाख कर दिया, 5 लाख कर दिया. Everybody should be apprised of the facts. So, Surbhi ke case mein 5 to 7 lakh recommended tha, but I believe that if I remember, because I was also participating in the process, I remember it was somewhere around 2.5 lakhs INR. As per the immigration side. As per immigration side. Haan, otherwise, aapka case, aap jitna show karoge, aapka case strong hi banega. Ab finally baat kar lete hain mudde ki, ki bhaiya fees kitni hai consultant ki, kyunki स्टूडेंट वीजा जो होता है वो फ्री होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं. अगर कोई कंसल्टेंट, अच्छा कंसल्टेंट आपको लगता है कि भाई ए बी सी अच्छा कंसल्टेंट है और वो आपसे फीस मांगता है, डू नॉट गिव फीस, बिकॉज दैट्स अ लॉ, दैट्स अ रेगुलेशन. स्टूडेंट वीजा के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है. ये हमको हमारे कॉलेज में भी भाई रिमाइंड कराया प्रोफेसर ने, पूछा हमसे क्लास में आपने फीस तो नहीं दी है कहीं. दो तीन लोगों ने हाथ खड़े करे थे और दो तीन ने तो आधे खड़े करे और आधे छुपा दिए. लेकिन यू आर नॉट सपोज टू पे फीस फॉर स्टूडेंट वीजा. लेकिन जो आपका लीगल एडवाइजर होता है ना, जो कि रजिस्टर्ड है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में, वो स्पाउस का जब वीजा लगाता है तो वो चार्जेस लेगा, बिकॉज दैट्स हिज अर्निंग, क्योंकि उसको कमीशन नहीं आता है कॉलेज से. यू आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, सो दे चार्ज. नाउ सर वी विल टेल यू कि भैया पैसा कितना लगा है. तो हमें प्री कोविड सिनेरियो थोड़ा पता था, जो हमने सबसे इन्फॉर्मेशन गैदर करके लिया था. तो फिर सबने कहा था 30-40 मैक्सिमम 50 के तक लगेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इतना ही चल रहा था. तो कोविड तो 2 साल रहा, उसके बाद जब दुनिया खुली और जब मैंने चेक किया तो मेरे लीगल एडवाइजर ने तो मुझसे 65K मांगे थे. तो दैट वाज टू मच फॉर अस उस टाइम पे, क्योंकि हमारा और भी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे और प्लस हमें ये पता था कि 30-40K लगेगा. तो हम उसी माइंडसेट पे थे, हमने थोड़ा नेगोशिएट किया, 60 तक ही आए वो. और उसका प्रोसेस फिर ये था कि उन्होंने कहा 30,000 हाफ हाफ पेमेंट करेंगे, 30,000 प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए करेंगे और 30,000 आप हमें तब देंगे जब आपका वीजा आ जाए. अब इसके बाद इसमें एक चीज और आती है, वीजा फीस. कभी भी ये मत सोचना जो कंसल्टेशन फीस है वो आपकी, उसमें वीजा फीस भी होती है. वीजा फीस इज अ सेपरेट स्टोरी और वो आपका वीजा फाइल करने की फीस जा रही है, जो मेरी गई थी NZD 700. तो फिर वो अलग होती है और 60,000 अलग से. अब वीजा फीस का भी एक कैच है, या तो आपका कंसल्टेंट भी दे सकता है अपने क्रेडिट कार्ड से, या अगर आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें फॉरेन ट्रांजेक्शन में एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. क्योंकि हमने ये किया था, मेरे लीगल एडवाइजर ने बताया था कि आपकी मर्जी है, अगर उनका कार्ड यूज कर रहे हैं तो उनका भी कर सकते हैं, अपना तुम्हें करना है तो अपना. तो हमारे उसमें फॉरेन ट्रांजेक्शन फीस 0 थी अप टू अ लिमिट ऑफ 1 लाख. तो हमने अपना यूज किया था, इनफैक्ट हमारे और फ्रेंड्स ने भी हमारा कार्ड यूज किया था. तो वो 700 तो है, लेकिन उसमें प्लस अदर फीस भी होगी, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट जब करोगे अपने एडवाइजर के साथ तो फिर वो 700 समथिंग जाएगा. तो ये हमारी टोटल फीस थी. वो तो मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियोस में बताया था कि अगर आप भाई अगर आप खुद अफोर्ड कर सकते हो तो एक RBL का वर्ल्ड सफारी कार्ड आता है, वो मार्जिन फ्री होता है, उसके ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं होते. वो सिर्फ इंडिया में, तो खैर इस काम के लिए आएगा ही कि आपको वीजा फीस भरनी है तो आपका वो मार्जिन फीस जो है ना, जो ऊपर से लगती है, वो नहीं लगेगी. लेकिन आप जब यहाँ पे भी आ जाते हो ना, न्यूजीलैंड आ गए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ भी जा रहे हो आप, तो वहाँ पे भी ये कार्ड जो है ना काम आएगा, क्योंकि इसमें चार्जेस नहीं लगते हैं. तो मैंने खुद यहाँ पे आके सुपरमार्केट्स में पेमेंट करी थी एंड इट वाज ब्रिलियंटली स्मूथ. अच्छा था, करंट रेट पे वो लगाते हैं चार्जेस जो कि आपके ऑलरेडी लग नहीं है. तो इनिशियल डेज में ना 10-15-20 जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलता, ये कार्ड आपका काम आ सकता है कॉन्टीजेंसी सिचुएशंस में. भाई साहब इतनी धूप हो रही है ना वीडियो बनाते हुए, मेरे सुरभि का तो मुंह ही जल गया है. पर डेडिकेशन देखो, एकदम दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हुए वीडियो बना रहे थे, अब नहीं बैठा जा रहा, अब तो मुंह जल चुका है, अब तो उठ गए हैं हम लोग. लास्टली मेरे को हमको ये बोलना था एंडिंग नोट पे कि कंसल्टेंट भी वीजा लगा रहा है, आप इंडिविजुअली भी वीजा लगा सकते हो, ये तो हो ही रहा है. लेकिन ना बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने कंसल्टेंट के थ्रू किया था और उनका ना वीजा अभी तक आया नहीं है, 4-5 महीने हो गए हैं. और एक एग्जांपल जिन्हें इंडिविजुअली लगाया था, उनका भी वीजा नहीं आया है. तो ऐसा ना कोई गारंटी नहीं होती कि आप कंसल्टेंट से लगाओगे तो आएगा ही आएगा, गारंटी है भाई, ऐसा नहीं होता. खुद को इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी एप्लीकेशंस में एंड इंश्योर कि आप लोग इसको डिलीजेंटली करते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो और सीरीज को ठीक से बनाते हो.
बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो हमने आपको बताए हैं ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंसल्टेंट मांगेगा। इसके अलावा आधार, पासपोर्ट, आईडी, फलाना ढिमकाना, ये तो लगना ही लगना है। लेकिन 90% लोगों के ना मेरे बैच में तो आ गए हैं वीजा स्पाउस के, जिन्होंने टाइमली अप्लाई किया था। सबकी खुशखबरियां सुनने में आ रही है कि भाई अब मेरे फैमिली आ रही है, मेरी फैमिली आ रही है। फैमिली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले ही बताया, यहाँ लोग तो है नहीं, दोस्त है, फैमिली है जो है बस, तो ऐसे ही निकलेगी यहाँ पे जिंदगी। तो ये था सारा ज्ञान स्पाउस वीजा को लेकर। अब जा रहे हैं घर, हमको हो गया है सनबर्न, लग रहा है ऐसी धूप है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।